जी, आज हमारी कुछ सिक्स्थ चार्टिंग क्लास है। जिन जिन दोस्तों के चार्ट आए हैं, से स्टार्ट करते हैं अब्दुल रशीद से। अब्दुल रशीद, एक सेकंड, मैं आपको, आप मुझे क्लास में नजर नहीं आ रहे हैं। अब्दुल रशीद, चले अब्दुल रशीद के चार्ट लेते हैं। अब्दुल रशीद, आप क्लास में हो? अब्दुल रशीद, आप क्लास में हैं या नहीं है? चले, रिप्लाई नहीं आ रहा उनका। जी, आसिफ, आप क्लास में हैं? मैसेज करें। ओके, आसिफ, आसिफ के नाम से, ठीक है। एक सेकंड, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ। जी आसिफ, बताइए, क्या देखा आपने चार्ट के अंदर, और क्या आपके, जी सर, जी सर, मार्केट यहाँ पे जो है ना एक लेवल था काफी स्ट्रॉन्ग। ये लेवल था, यहाँ पे मार्केट ने रेंज की है, उसके बाद ये अब्सॉर्प्शन वॉल्यूम लगाया है। इस लेवल की बात कर रहे हैं? जी इस लेवल की, ये वाले जो है, जी, यही लेवल, ये दो मैंने लेवल लगाए, मतलब ये सारा जो है लेवल ही है सर, स्ट्रॉन्ग ओके, लेवल था। बैग तो वेरी जो है ना नेक्स्ट सर, अपना स्क्रीनशॉट उसमें वाजे हो जाएगा पिछला जो है ना कौन सा लेवल था सर। हाँ, मैं वही को पूछने वाला था। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, गुड है, माशाल्लाह, सही है, अच्छी ट्रेड है आपकी। एब्जॉर्प्शन हुआ है, एब्जॉर्प्शन के बाद लो वॉल्यूम पुल बैक है, और यहाँ पर आपने ये भी देखा है, ये इट्स अ गुड साइन कि आपने इस पॉइंट को आपने नोट किया। जी सर, ये इसलिए कि था कि सर इसने वॉल्यूम इंक्रीज दिया है और बुलिश बार जो है वो बुलिश की है, सो इसको इसलिए इग्नोर किया गया सर, हाँ, बाकी मतलब वॉल्यूम ये सारा है कम था कि सर। बुलिश वॉल्यूम आ रहा था, बिल्कुल जबरदस्त, जी बहुत अच्छी ट्रेड है। जी, यहाँ पे यहाँ पे सर ये स्ट्रोंग एरिया था, ये वाला सर सारा, ये जहाँ पे मैंने ये खाने मार किए हैं। और ये गैप से टूटा है। जी मार्केट ने पहले भी इसको जो है ना वाइड स्प्रेड लगाया यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद ये जो मैंने एरो ऊपर मार किए हैं ना, ये वॉल्यूम तो इंक्रीज आ रहा था लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है नियर टू नियर थी और मिडल से भी नीचे थी इन दोनों बार। ठीक है। ये ट्रेड आपने किस बार पे लिया है? सर ये जो बड़ी एरो मार की है सर, ये जो पिंक वॉल्यूम है इसके बने नहीं सर, ये जो एरो है ना दो इनके बाद वाली जो है, ये वाला, जी जी सर, इसकी जो नेक्स्ट बार है जो क्लोज हुई है वहां पे सर एंट्री ली अच्छा, इस पॉइंट पे परफेक्ट, है। जी, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। और आप ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हो। आप जब ट्रेड में आ चुके हो, उसके बाद अगर वॉल्यूम आपके सपोर्ट में आ रहा है, मींस अगर आपने सेल ली है और वॉल्यूम बेयरिश आ रहा है, देन यू कैन होल्ड योर ट्रेड, तो दैट्स अ गुड साइन। और यहाँ पे देखे, इसका टीपी कहाँ पे रखा हुआ था आपने? सर वेरी नेक्स्ट जो है अपना
स्क्रीनशॉट उसमें सर वाजे हो जाएगा। नीचे है थोड़ा सा लेवल था तो वहां पे है। ठीक है, एसएल ना थोड़ा बड़ा लेगा यहाँ पे इस ट्रेड के अंदर। अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो ना तो एसएल इसका खैर लॉजिकल ठीक है। एसएल क्यों लगाया पहले आप बताएं, फिर मैं सर बताता हूँ। असल मैंने इसलिए लगाया है कि मार्केट क्या करती है कि मार्केट एक दफा जब रीटेस्ट लगाने के लिए जाती है तो वहां पे हमें साइन भी दे देती है। उसके बाद मार्केट अक्सर मैंने देखा है कि मार्केट एक बड़ी बार बना के लाइक अप थ्रस्ट लगाती है और एसएल कोशिश करती है कि कोई एसएल उड़ा दे जितने भी हैं उसके बाद नीचे आती। उसके लिए मैंने ये लगाया था एहतियात के तौर पर। ठीक है, लॉजिकली एसएल ठीक है आपका। ठीक है, लॉजिक जो है वो आपके बताने से पहले ही मैंने ये देखा है कि लॉजिकली एसएल ठीक है, बट थोड़ा सा ना बड़ा बन रहा है। चले नो प्रॉब्लम है, जब ट्रेड एक अच्छी उठाई है आपने तो नो प्रॉब्लम है। ओके जी अच्छा सर जी, ये यहाँ जूम आउट पे करके आपका चार टीपी है, तकरीबन 1:1 लिया आपने। जी सर सही है, जबरदस्त है। वॉल्यूम वॉइस वेव के अंदर जो वॉल्यूम आ रहा है ना, जी सर वॉइस वेव में बुलिश वॉल्यूम आ रहा है, मार्केट इसके बाद ऊपर गई होगी। जी यहां से ही मार्केट ऊपर निकल गई थी सर। जी, जब बात नहीं कर रहे तो आप भले माइक बंद कर दिया करें ताकि बैकग्राउंड नॉइज नहीं आए ना। अच्छा जी, बाय लिया आपने यहां से, जबरदस्त है जी, जबरदस्त, गुड है। अब क्लोज है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ना, हाँ ये देखे साइन भी आ गया, क्योंकि तो रेंज है, रेंज है, बट ये साइन जब अपियर होता है ना, स्नैरियो बी जब अपियर होता है तो ये अपनी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ शो करता ही है, साइन जब भी अपियर हो। और खास तौर पे एसएल हंटिंग जो होती है ना, वो भी इसी साइन के अंदर कहीं पे छुपी भी होती है, यानी कि हमें रेंज के अंदर जब एसएल हंटिंग नजर आ रही होती है ना, तो मर्ज करके देखें तो हमें एसएल हंटिंग शेक आउट नजर आता है ऐसे। तो ये एक और कंफर्मेशन थी, माशाल्लाह जी, अच्छी अच्छी ट्रेड है आपकी, गुड है। हाँ बिल्कुल सही है जी, टीपी हिट हुआ है आपका, वो नजर आ रहा था, इंडिकेशन मतलब परफेक्ट ट्रेड उठाई है आपने। जी ये बताएं कहाँ से लिए आपने सेल ट्रेड, लो वॉल्यूम है, जीएसटी जेपीवाई। इस वाली कैंडल पे उठाइए, माइक ऑन कर ले, बात नहीं हो रही क्या? चले जी जी, जी मैं उस वक्त का बात कर रहा हूँ सर, मैंने देखा ही नहीं है सॉरी। अच्छा सर मैंने इसी पे जो है ना एंट्री उठाई थी लेकिन टाइम जो था ना वो सर गालबन कोई 8-9 का था। उस वक्त वैसे भी वॉल्यूम कम ही होता है तो उठाई थी लेकिन मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई है इस लेवल तक, उसके बाद नीचे गिर गई थी सर और काफी नीचे गिरी है। सही है। अगेन आपका एसएल बड़ा है, ठीक है, आपका जो एसएल बनता था ना इस ट्रेड का, एसएल आपका बन रहा था तकरीबन ये इस जगह पे, असल में सर मतलब ये जो मैंने ऐसा लगाया ना इसके जो मेरा अपना एक नजरिया था वो ये था कि ये जो लेवल है यहाँ तक मार्केट जाएगी और जब अगर यहाँ तक गई तो फिर ये जो ऊपर वाला ऐसल है ना इस जगह पे
बेस्ट मुझे लगा इसलिए। वैसे अगर ट्रेड जहां से ली है इसके हिसाब से तो आपने सही बताया कि वहां पे असल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेंथ है टकरानी थी, ये स्ट्रेंथ थी जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो डिमांड थी ना ये एक्चुअली डिमांड जोन था। जी सर, ये देखें VSA के अकॉर्डिंगली भी ये परफेक्ट ट्रेड उठाई है आपने, इसको आप मार करो तो ये डिमांड जोन ब्रेक हुआ है, तो ये सप्लाई भी बन गई है, तो ये तकरीबन यहाँ तक ये ट्रेड आई होगी और उसके बाद कुछ हुआ होगा इसके साथ, नीचे गई थी। जी सर, वेरी नेक्स्ट जो है ना सर चार्ट उसमें वाजे से। माशाल्लाह यार बहुत अच्छी, आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे हैं और ट्रेड भी आप अच्छी उठा रहे हो। जी सर, ये मैंने सेकंड दफा जो है ना वो चार्ट लिख रहा हूँ, पहली दफा भी चेक करवाए थे क्लास में। सर आपने कहा था कि एक दो दफा और चार्ट जो है ना वो दिखाएं, तो इंशाल्लाह जो है ना रेल के लिए इजाजत दी जाएगी। सही है, टीपी है, सही है। यहां जी सर वही ट्रेड है तो इसका थोड़ा सा। हाँ ये रिटेस्ट हुआ हुआ है बिल्कुल। जिस जगह पे मैंने SL बताया ना उससे थोड़ा सा नीचे, मतलब लाइकली टू हिट था थोड़ा सा नीचे से, चलो खैर अच्छा है, ये जबरदस्त है सेल, बिल्कुल सही है स्टॉप लेवल, जबरदस्त गुड है। वही है सर, जूम आउट चार्ट करके। हाँ सही है, यही चीज है, सो में डाउन ट्रेंड भी था यहाँ पे। जी जी बिल्कुल सर। बस सर इतनी है इस वीक के। ये ब्रेक इवन है कुछ सर दोनों। ठीक है, क्योंकि सर मैं वो भी वही जो है वो ट्रेड दिखाता हूँ जो रियल तौर पे जो है वो सामने, वो ऐसा नहीं है कि जो प्रॉफिट में की वो स्क्रीनशॉट उठा के ले आए और बाकी जो है वो खत्म कर दिए, ऐसा नहीं सर। नहीं माशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास के अंदर भी बहुत अच्छे थे और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि मैच्योरिटी है आपकी ना ट्रेडिंग के अंदर, तो मेरे ख्याल से आपको छोटे से अकाउंट के साथ फिलहाल जाना चाहिए रियल अकाउंट पे ना, छोटे से अकाउंट से। इसलिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी बड़े अकाउंट पे नहीं जाएंगे, छोटे अकाउंट पे जब काम करेंगे ना, लाइक $100 का एक अकाउंट ओपन करें, ठीक है, उस अकाउंट को प्रिंसिपल्स के हिसाब से आपने ट्रेड करना है 3 माह तक, राइट। अभी पैसा कमाने की जज्बा ना रखें अपने अंदर, अपने आपको थोड़ा सा टाइम दें 3-5 माह का, राइट। आपने क्या करना है, 3 माह तक कम से कम आपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से ट्रेड करना है $100 के अकाउंट के ऊपर, और जब आपका मंथली टारगेट जो है 10-15% बन जाए, दैट इज इनफ, राइट। उसके बाद अगर ट्रेड करने को दिल चाहे भी तो डेमो पे ट्रेड कर लो भले, रियल पे नहीं करो। इस तरीके से आपने 3 महीने गुजारने, और अपने अकाउंट को MyFX बुक के साथ भी आप लिंक कीजिएगा तो इंशाल्लाह आप काफी लोग आपको अप्रोच करेंगे, और ये असल में ये साइकोलॉजी बिल्डिंग प्रोसेस है, ये समझ लो, ये आप समझ लो कि रियल अकाउंट ट्रेड नहीं कर रहे, ये आपकी थ्योरीज कंप्लीट हो गई हैं, प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया, अब ये साइकोलॉजी डेवलपमेंट जो है ना आपकी इस फेज के अंदर होगी, ठीक है। ठीक हो गया सर। हाँ जी, मतलब मिनिमम सर कितनी अमाउंट होगा रेल में, तो सिर्फ 100 से कर ले, मैंने बताया ना $100 से अकाउंट ओपन करना है। ठीक हो गया सर। जी जी, हाफिज सैफ घुमन। जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, कैसे हैं आप? सब ठीक, खैरियत। NZDJPYH1 जी बोले, क्या देखा आपने सर? ये सर ये एक रेंज बन रही थी,
इसके अपना टॉप पे ना वो लगा शेकआउट, अप थ्रस्ट लगा, तो अप थ्रस्ट के ऊपर वॉल्यूम जो है ना वो काफ़ी इंक्रीज हुआ था। नेक्स्ट बार भी अप गई है, लेकिन उसके सेम सेम क्लोजिंग के करीब भी क्लोज हुई है। और जब ऊपर गई है तो जब नीचे आना उसने स्टार्ट किया, तो मैंने M5 में देखा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, सही है। हाँ तो मैंने उधर से ये ट्रेड पकड़ी है सर। तो ये जो नीचे डेली का लेवल है ना, यहाँ तक आई थी मैं, फिर इसका जो SL था ना ये नीचे ले गया था, यहाँ तक आई थी डेली के लेवल तक। यहाँ तक। जी 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 सर। इसके बीच में एक लेवल था, यहाँ पे रुकी होगी ट्रेड। ठीक है, अच्छा सर, मोबाइल ये मोबाइल चार्ट जो है ना स्क्रीन, वो। नहीं, ये असल उधर मुझे याद नहीं रहा सर, लैपटॉप पे ना लेने का स्क्रीन शॉट मैंने मोबाइल पे लिया था फिर उसका ट्रेड का, तो उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने उधर की है वैसे ना। ये है सर, ये सर अपना सोसर शेप बनी हुई थी, बिल्कुल। और ये लेवल था अपना, ये ब्रेक हुआ है, ये लगी है अब्जॉर्प्शन लगा, उसके बाद रीटेस्ट हुआ है। तो M15 में यहाँ बना था शेकआउट, जी, तो शेकआउट के बाद मैंने फिर ये ट्रेड पकड़ी है, जबरदस्त। और ये बड़ी जबरदस्त सोसर शेप थी सर, ये हाँ मेरे जी, बिल्कुल प्राइस एक्शन के दौर से ना फेवरेट थी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये थोड़ा सा टाइम और गुजार रहे हैं और उसके बाद ये कॉफी कप बन जाएगा। कप जी शेप जो होती है बिल्कुल ना, बिल्कुल प्राइस एक्शन वाले उसे कहते हैं। जी बिल्कुल सर। तो उसमें जस्ट इस तरह का सेंटिमेंट होता है। खैर ये ये हम अप गई थी, इससे भी काफी अप गई थी। सही है, गुड है। बिल्कुल लो वॉल्यूम रिटेस्ट हुआ हुआ है। ठीक है, SL जो है ना, ये जब ये गैप लगा हुआ ना, तो इसके नीचे यहाँ पे ट्राई कर लिया करें, और उसके बाद ये जरा SL बड़ा हो जाता है, जरा इतने सर मैं बड़े। वैसे ना इधर इधर वैसे मैं ना मैं मुतमिन बड़ा था, सेटिस्फाई बड़ा था, तो इसलिए मैंने ना वो सेफ्टी के लिए ज़रा नीचे ले गया था। हाँ चलो ठीक है, बट थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड अकॉर्डिंग चलें, ये थोड़ा सा आगे चलेंगे तो फिर रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर भी काम करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह, कि रिस्क रिवॉर्ड अब कैसे देखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो बाकी ट्रेड ओके ठीक है, सर। लॉजिक्स ठीक है, सेल ली है, बिल्कुल लो वॉल्यूम रीटेस्ट है, बियरिश वॉल्यूम है। जी बताएं कैसे लिए तो ये। अच्छा सर, वो अपना जो अप बार छोटी छोटी मार रही थी ना, ये जो अपना नैरो बार मार रही है, जो अप क्लोज हो रही है उन पे वॉल्यूम जो है ना वो बिल्कुल लो आ रहा है, और जो ऊपर ये डेली का रेजिस्टेंस लेवल था जो ब्रेक हुआ, अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ, तो फिर उसके बाद सब ये जब रीटेस्ट के लिए जा रही थी ना, तो वॉल्यूम भी बिल्कुल लो था, जान नहीं थी उसमें। तो जब वो नीचे बार सर क्लोज हुई है ना ऊपर से, उस पे यकदम काफी जो है ना वो वॉल्यूम इन काफी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, तकरीबन पीछे 7-8 बार में उतना वॉल्यूम नहीं था। कौन सी बार की बात कर रहे हैं? छठी बार सर, छठी लास्ट से जो छठी बार नहीं, ये वाली जब ये हाँ डाउन क्लोज हुई है इसके ऊपर सर, ये वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम रेड जो है ना वो बहुत, ये वाला ये बड़ा इंक्रीज हुआ था। तो नेक्स्ट बार भी अप गई, जब नीचे आना स्टार्ट हुई तो फिर मैंने उधर से इसे पकड़ा था, और ये इसने सही, अल्हम्दुलिल्लाह टीपी हट किया था सर। जबरदस्त। ये मोबाइल चार्ट ना भेजा करें, ठीक है। हाँ सर मुझे ना वो स्क्रीनशॉट इसका लेना याद नहीं रहा सर, वो ये अलग मोबाइल ट्रेडिंग से मैंने थी। स्क्रीनशॉट, जी ये अलग ट्रेड थी, ये अलग ट्रेड है, मुझे उधर से याद नहीं रहा स्क्रीनशॉट, ये रात की ट्रेड है सर। हाँ बट मोबाइल के अंदर सही तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं। अव्वल तो मोबाइल में ट्रेड ना किया करें, मैं जो सबको ये रेकमेंड करता हूँ, मोबाइल ट्रेडिंग ना ना किया करें, ठीक है। नहीं और सर, एनालाइज उधर ही किए थे, लेकिन मुझे स्क्रीनशॉट ना लेना याद नहीं रहा, मैंने फिर स्क्रीनशॉट इधर से ले लिया था, तो अच्छा सेटअप वही अच्छा बना हुआ था, तो सही है सही है। एनालाइज मैंने उधर ही किया है। ये नेस्डैक का चार्ट है, H1 का है,
तो सर ये बना था अप थ्रस्ट, सही है, तो वॉल्यूम बस बनते ही ट्रेड कर अपना ली थी आपने। जी अप थ्रस्ट मार रहा था, बार जो अप क्लोज हो रही थी ना M5 में, जो ऊपर गई है ना तकरीबन मिड तक गई है अप थ्रस्ट के। इसकी बात कर रहे हैं? जी अप थ्रस्ट के जो सेकंड की बार है ना, वो तकरीबन उसके मिड तक गई है ना, जब हाँ उस पे वॉल्यूम जो है ना वो M5 में कम था, अच्छा, तो जब M5 में मैंने उसको कंफर्म किया तो फिर मैंने इधर से ये ट्रेड पकड़ी थी। सही है। तो ये बहुत काफी डाउन आई थी, हाँ बिल्कुल सही है। काफी डाउन ये ट्रेड ना आई थी सर, ये क्या इतना वजह तक है आई थी। आपके ख्याल में, क्या वजह थी इसके डाउन होने की आपके ख्याल में? सर एक तो ऊपर जो मैं इसको होल्ड किए जा रहा था, जब इसका अपना वॉल्यूम जो ना वॉल्यूम वो काफी इंक्रीज हो रहा था, तो मैं H1 का ये सर अपना नीचे लगाया हुआ है ना, अपना SL जो नीचे लगाया हुआ है। जी, मैंने ये यहाँ तक इसको होल्ड, SL है। हाँ हाँ जी सर, जी, ये OTP सर, सॉरी सर, ये TP तक जब मार्केट आई ना, तो बार जो H1 की क्लोज हो रही थी उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहा था, फिर मैं H1 के इधर लेवल था वहां तक इसको ले गया, तकरीबन 11 11 8 ये 70 तक आई थी, वहां तक मैंने इसको फिर ले गया था इसका ना अपना TP। ये देखिए इंक्रीजिंग वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पे, ठीक जी 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 है, बहुत बेरिश। इंक्रीजिंग वॉल्यूम था। हाँ छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इसमें वॉल्यूम आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा सेलिंग का। जी सर, ये देखें सर, ये 11.71 तक तकरीबन आई है। अच्छा सर, ये मैंने इधर एक क्वेश्चन करना था कि ये जो मैं बॉक्स बनाए हुए है ना, जी ये लेवल्स के ऊपर ये जो है ना अपना ये फेस मुझे बहुत ही दिखाई दिया मार्केट में, ये जो फेस बना हुआ है ये बहुत ही दफा दिखाई देता है, तो इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? कौन सा फेज, कैसे फेज की बात कर रहे हैं? यानी जैसे कोई लेवल ब्रेक होता है ना, तो फिर इस तरह के ये ना बार, ये जिनके ऊपर बॉक्स है ये सर, हाँ ये इस तरह बार बनना स्टार्ट, हेलो, हेलो जी, आवाज आ रही है? हाँ जी सर आप आइए आवाज। जी, ये शायद इंटरनेट थोड़ा सा इशू कर गया, कोई डिसकनेक्टिविटी आई थी। चलो एक सेकेंड, देखिए इसके अंदर ये सीन होता है कि कोई भी आपने लेवल जब मार्क किया है ना, कोई भी सपोर्ट जो है वो ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस बन जाता है, और कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पे तो एक्चुअली ये काम हुआ है ना, जी, ये देखें ये वाला लेवल ब्रेक हुआ है, इस गैप बार के साथ ये ब्रेक हुआ है और यही रीटेस्ट हुआ है, मार्केट ऊपर गई है। उसके बाद देखें तो ये लेवल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या इशू आ रहा था आपको? सर ये वैसे ही मैंने ये चीज लिखी है कि जब भी यानी कोई लेवल ब्रेक होता है ना या रीटेस्ट होता है, तो इस तरह की ये कंडीशन बन जाती है, तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, कहाँ से ट्रेड पकड़नी चाहिए? वॉल्यूम को देखना चाहिए और लेवल तक का वेट करना है आपको, लेवल के बगैर ट्रेड नहीं करनी है। नहीं सर ये जो आए, इस जी सिनेरियो जी में बताएं, इसमें इसमें क्या है? यहाँ पे तो क्लियर हो गया ना आपको, इस जगह पे यहाँ पे लेवल ब्रेक हुआ हुआ है, रीटेस्ट हुआ हुआ है, ठीक है। नहीं और सर, ये कितनी दफा बार जो ना वो उसी लेवल पे आ रही है, उसी लेवल पे आ रही है, उसी लेवल पे आ रही है। हाँ तो ये डेफिनेटली ये हो सकता है ना, AUD USD का चार्ट है, ये रेंज कर रहा है, दैट मींस कि ये मार्केट ऑफ टाइमिंग हो सकती है। ये रात का टाइम था, उसके बाद ये है मार्केट का ओपन, ठीक
ठीक है, तो एग्जैक्टली ये रात हो गई थी ना, ये रात के टाइम पे तो मार्केट रेंज में आ जाती है। वॉल्यूम भी देखे ना, ये वॉल्यूम भी आपको बता रहा है कि मार्केट में कोई भी पार्टिसिपेंट मौजूद नहीं था, जी। कोई भी पार्टिसिपेंट मौजूद नहीं था से क्या मतलब है कि लॉन्गर टर्म ट्रेडर, लॉन्गर टर्म ट्रेडर से क्या मतलब है स्मार्ट मनी मौजूद नहीं थी इस वक्त में, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट रेंज कर रही है। तो सर यानी यही जो बॉक्स है इसको ले लेते हैं कि यानी ये अपना ये रेजिस्टेंस लेवल था तो ब्रेक हुआ है, हाँ व्हाइट स्पिरल लगी ब्रेक आउट हुआ, तो उसके बाद यहाँ इस तरह या अपना बार है वो क्लोज हो रही है, को आप क्लोज हो रही है, को डाउन क्लोज हो रही है, तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो बार अप डाउन क्लोज हो रही है उनमें वॉल्यूम कैसा है, फिर हम डिसाइड करेंगे वॉल्यूम कैसा है और बुलिश है या बियरिश है, ठीक है, बस ये देखेंगे, ठीक है। और दूसरा टाइमिंग, टाइमिंग को भी देखते हैं ना कि हम किस वक्त में ट्रेड कर रहे हैं, टाइम क्या चल रहा है, लिक्विडिटी मार्केट में मौजूद है या नहीं है। अगर ऑफ लिक्विड टाइम है तो डेफिनेटली मार्केट रेंज में आ जाएगी, ठीक है। लिक्विडिटी एक्चुअली होती क्या है, कंप्लीट बताया ना उस पे लेक्चर के अंदर कि जब मार्केट ऑफ होती है स्मार्ट मनी डे ट्रेडर्स जो होते हैं ना ये, और खासतौर पर बैंक्स जो होते हैं, ये बैंक्स जब बंद हो जाते हैं शाम में तो बहुत बड़ी लिक्विडिटी मार्केट से निकल जाती है, जिसकी वजह से ये रेंज स्टार्ट हो जाती है। अच्छा सर एक और क्वेश्चन है कि बाद का ऐसा होता है कि किसी लेवल के ऊपर मार्केट गई है लेकिन हमारा ना कुछ साइन ऑफ वीकनेस बना है ना कुछ साइन ऑफ स्ट्रेंथ बना है, लेकिन मार्केट उधर से बड़ा अच्छी यानी कि टेस्ट करती है उसको लेवल को तो वापस चली जाती है, इस सूरत में क्या करना चाहिए? प्रॉफिट टेकिंग होती है ना, वो प्रॉफिट टेकिंग होती है, उस लेवल को मार्केट रीच कर रही होती है, मतलब यहाँ पर आई है, ठीक है, इस जगह पे प्रॉफिट टेकिंग हो रही होती है जिसके बाद मार्केट रिवर्स कर जाती है, नए सेलर्स मार्केट में आते हैं, ठीक है, मार्केट रिवर्स होती है। बेटर ये है कि ये सिचुएशन आपके पास जब आएगी तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के सेशन में बताएं तो वो पिक्चर सामने होगी, तो फिर उसके ऊपर हम अच्छे से बात कर सकते हैं। जी ओके सर, शुक्रिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा बताएं ये ट्रेड। अच्छा सर ये अपने लेवल था तकरीब डेली के लेवल था ये, तो जब मार्केट वहां पहुंची है ना तो वहां उसने ना छोटी छोटी बार जो नैरो बार बनाना स्टार्ट की थी, जो तो उसके बाद जो वो अप थ्रस्ट नुमा बार है ना वो जब डाउन क्लोज हुई तो उसके ऊपर वॉल्यूम तकरीबन इंक्रीज हुआ था, तो जो नेक्स्ट बार क्लोज हुई है नैरो जो लास्ट बार से पिछली बार है सर उस पे जब वो डाउन क्लोज ही है लेकिन है वो नैरो तकरीबन ऑन द लो करीब हुई नीचे क्लोज हुई है उस पे वॉल्यूम अच्छा खासा बड़ा था, हाँ जी, तो मैंने उधर से ट्रेड ये पकड़ी थी। सही है, गुड है। और यहाँ पर चार्ट में अगर देखेंगे ना डाइवर्जेंस भी लाजमी सी बात है, डाइवर्जेंस भी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ये पहले टेस्ट की बनिस्बत दूसरे टेस्ट पे जो वॉल्यूम था ना वो कम था। वॉल्यूम स्टिल ये भी बहुत अच्छा नहीं है, तो खैर चले, यहाँ पे आपने टीपी रखा तो चले अच्छा, ये थोड़े से पिप्स थे आपने उठा लिए, बहुत अच्छा किया कि इसको ना बड़ा नहीं रखा आप, टीपी आपने बड़ा नहीं रखा है, क्योंकि ये पॉसिबल था कि मार्केट यहाँ से कुछ रिवर्स करती या वापस ही रेंज के अंदर आती, कुछ इस तरह का था इसका जो सीन है ना, ये है गोल्ड M30, ठीक है। ये काफी दिन सर उस दिन वो यही वो ना वो घूम रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे रेंज में ही था तकरीबन ना, हाँ जी अच्छी खासी मूव नहीं थी। अच्छा जी नेस्टेक जी बताएं। अच्छा सर इसमें ना वो जो पीछे थर्ड बार है ना वो टेस्ट हुआ है, ये डेली का लेवल है, डेली का लेवल नहीं ये H1 का लेवल है सर, तो ये टेस्ट हुआ था लेवल, उसमें वॉल्यूम पिछली बार से तकरीबन कदरे कम ही था, तो जो नेक्स्ट बार उसके अप क्लोज हुई है उस पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था। जो M5 में मैं देख रहा था ना उन बार में वो नीचे यानी के
काफी जो वॉल्यूम था ना वो इंक्रीज हो रहा था, तो M5 में मैंने इसकी कंफर्मेशन ली थी। सही है, जबरदस्त है, गुड है। ये सर वो इस जी पे जो अपना पीछे थर्ड बार है, ये अपना डेली का लेवल था जो ये ब्रेक हुआ था। सही है, तो ब्रेक होने के बाद जब मार्केट ने रीच किया ना उस वॉल्यूम को, तो ऊपर ये अप थ्रस्ट मानो बार जो लगी ऊपर जाती बार का वॉल्यूम कम हो रहा था, तो वो जब ऑन द लो बार क्लोज हुई है उस पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, जब नेक्स्ट बार ऊपर गई है उस पे वॉल्यूम डाउन हो गया था। इस तरह से ना वॉल्यूम को साथ में जरा क्या करें, इसको लाइन लगाया करें ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो आपको नेक्स्ट बताने में भी। नेक्स्ट टाइम होगा इंशाल्लाह सर, हाँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा सर, नेक्स्ट टाइम। पिंक वॉल्यूम था, बिल्कुल सही है। हाँ, और ये थी M5 में जब वो नीचे, जी बोले 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 जी, M5 में जब आ रहा था ना बार नीचे, तो उनमें फिर वॉल्यूम इंक्रीज आना स्टार्ट हो गया, तो फिर मैंने ये ट्रेड पकड़ ली थी। M5 का चार्ट भी साथ में ना लगाया करें, ठीक है? नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सर जरूर लगाऊंगा। हाँ, उसमें फिर आपने तो देखा था, बट वो चार्ट भी, उसकी स्नैपशॉट भी लगाया करें साथ में। गुड डे, माशाल्लाह अच्छे जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है, गुड है। अच्छा जी, माजिद लगारी माजिद लगारी, ठीक है जी, आपको अनम्यूट कर दिया है जी, बोलिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये रीटेस्ट कहाँ पे हुआ हुआ है, रीटेस्ट लिखा हुआ है आपने? सर ये रीटेस्ट सर, ये रेड बार बनी है फिर मार्केट नीचे आई है एब्जॉर्ब के बाद, वॉल्यूम देखा हमने एब्जॉर्ब के बाद मार्केट नीचे आई है फिर उठी है सर, इसका वॉल्यूम भी वो है सर, डिक्रीज हुआ है, अब थ्रस्ट का कम volume, हुआ है वॉल्यूम। हाँ ठीक है, अब थ्रस्ट का वॉल्यूम आपने क्रॉस मार्क किया हुआ है, अब थ्रस्ट ठीक है बट ये वॉल्यूम सही नहीं है। रीटेस्ट ऑफ व्हाट, रीटेस्ट किस चीज का, किस चीज का रीटेस्ट? ठीक है सर, रीटेस्ट यहाँ पे लाइन लगाया करें, ठीक है, जो भी जिस चीज का रीटेस्ट होता है उसको लगाया करें, ठीक है? ठीक है सर। स्टॉपिंग वॉल्यूम ऑप्शन, ठीक है, स्टॉपिंग वॉल्यूम ठीक है, बट ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आना चाहिए तब ये वैलिड स्टॉपिंग वॉल्यूम होता है, फिर भी ठीक है, मार्केट को रोका गया है, कुड बी M30 का चार्ट है ना। यहाँ से शुरू की एक्टिविटी, यहाँ से स्टार्ट हुई हुई है, ठीक है, मार्केट को इंटेंशनली नीचे गिराया गया और यहाँ पर ला करके स्टॉप किया गया, तो ठीक है, ये बेहतर है, बट तो आइडियल स्टॉपिंग वॉल्यूम होता है, उसमें वॉल्यूम अल्ट्रा हाई। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही किसी को? जी मैं ये बात कर रहा था, स्टॉपिंग वॉल्यूम लॉजिकली इसने वर्क किया है, बट स्टॉपिंग वॉल्यूम के लिए अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। अब थ्रस्ट अगेन वॉल्यूम आपका आपका क्रॉस है, ये सही नहीं है, गैप बार, गैप बार इसको नहीं कहते, ये मार्केट गैप होता है, ठीक है, ये मार्केट गैप होता है, ये मंडे वाले दिन जब ओपनिंग होती है ना, ये उस वक्त आता है मार्केट में गैप बार, एक्चुअली इसको नहीं कहते,
सिनेरियो बी, हाँ सही है, अप थ्रस्ट बिल्कुल ठीक है। हाँ स्टॉपिंग वॉल्यूम हम इसे कह सकते हैं, कैसा दिखता है स्टॉपिंग वॉल्यूम, तो ये आइडियली ये पिक्चर होती है ठीक है। असल में यहाँ पे हुआ ये है कि यहाँ पे एक लेवल था जिसकी एसएल हंटिंग के बाद मार्केट ऊपर उठी है, इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की गई है पहले इतने बड़े वॉल्यूम से, और उसके बाद फिर बुलिश वॉल्यूम आया। गैप मो सप्लाई ठीक है, सिनेरियो बी ऐसे नहीं आता ठीक है, क्योंकि इससे पहले बड़ा वॉल्यूम ये आ चुका है, इसलिए सिनेरियो बी ऐसे नहीं आएगा ठीक है। सिनेरियो बॉटम रिवर्सल नहीं, गलत है, अप थ्रस्ट शेक आउट, हाँ ये सिनेरियो यहाँ पे आपने ठीक मार किया हुआ ठीक है, थोड़ा सा ना करें आप काम थोड़ा सा भी। जी मसूद, आप हो क्लास में मसूद, हाफिज मोहम्मद मसूद, एक सेकेंड जी, हाफिज साहब बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, ये गोल्ड का चार्ट है वो एम 15 में जो है ना, एम 15 में इसकी जो है ना अपना एंट्री ली थी मैंने, यहाँ पर ये एक बड़ी वाइड स्प्रेड बनी है और उसके बाद जो है ना आगे अप थ्रस्ट सब बना था, तो नेक्स्ट बार डाउन हुई थी, लेकिन ये कि जो वाइड स्प्रेड से जो आगे है ना वॉल्यूम इंक्रीज था नेक्स्ट बार का, तो थोड़ी डाउट में थी इसलिए मैंने एंट्री ले ली, लेकिन इसका एसएल लेट हुआ था। ये एसएल इसलिए मैं इसी तरफ आ रहा था, वॉइस भी आपने लगाया हुआ है तो इसके अंदर कुछ देखा आपने? जी सर, ये जो है ना इसमें इसके ऊपर जो है ना सप्लाई डिमांड हिट हो रही है। जी ऐसा ही है, ये गोल्ड के अंदर एक्चुअली रेंज चल रही है, रेंज चल रही है काफी दिनों से, तो इस वजह से रेंजिंग मार्केट के अंदर ये थोड़ा सा इशू आता है ठीक है, रेंज कभी ब्रेक होगी कभी इशू आएगा। अच्छा ये दोबारा आपने ट्रेड ली है या ये वही ट्रेड है? ये जो नेक्स्ट चार्ट है ये वही वाली ट्रेड है या दोबारा ली है आपने? हाँ तो ये रेंज का थोड़ा इशू आ रहा था ना, माइक ओपन कर ले भले, मैंने अनम्यूट किया आपको। जी सर, ये एक ही ट्रेड की चार्ट है। ये असल में ये जो गिरा है ना ये फंडामेंटल मूव की वजह से गिरा था, वैसे गोल्ड जो है
ये देखे ना, जब आप ये H4 का चार्ट है तो कहीं पर भी सेलिंग है ही नहीं है ना, बट ये फंडामेंटल की वजह से ये गोल्ड गिरा था और ये अब तक भी जो है ये रेंज में चल रहा है। क्योंकि अगर आप H4 में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हैं चार्ट में, यहाँ पर तो सर डाउन में जा रही है मार्केट, वाइड स्प्रेड लगी है। आपने क्या देखा, आप बताए ना कि क्या क्या देखा आपने। अगर डाउन में जा रही है, अगर डाउन में जा आपको लग रहा था कि डाउन में जाएगी, तो फिर ये एंट्री आपको यहाँ से नहीं लेनी चाहिए थी ना, एंट्री आपको ऊपर से लेनी चाहिए थी। छोटे टाइम फ्रेम M5 का ये चार्ट है। अच्छा, M5 की बात करें ना, M15 में, M15 में, M15 का ये चार्ट है जी। तो ये भी कंफर्म तो नहीं हुआ ना यार, ये देखे तो यहाँ पे वॉल्यूम आया तो है बियरिस का, ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ ना, कंफर्म होने से पहले लिया है। ट्रेड ये अच्छी थी आपकी, ठीक है, ट्रेड ये अच्छी थी, मतलब वैलिड ट्रेड है, बट थोड़ा सा जल्दी कर रही है आपने ना, आपको ऊपर के लेवल से आप थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में भी जा करके आप देख सकते थे। तो थोड़ा सा ना अपनी लॉजिक को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करें। देखे राइट सर, सबसे पहले एक तो ये चार्ट आपके ना सीधे नहीं है, मतलब मिक्स्ड है, कभी M1 का आ जाता है, कभी अब 1.2.3. इस तरह करके ना चार्ट को नंबरिंग प्रॉपर करें। सबसे पहले बड़ा, सबसे बड़ा टाइम फ्रेम आना चाहिए। अब ये सबसे पहला चार्ट है आपका, M1 का चार्ट आ रहा है, ठीक है, तो M1 के चार्ट देखने की जरूरत नहीं होती है। ओके, M1 को ना देखा करें अभी। अच्छा, उसके बाद डेली का चार्ट आ रहा है आपका। अब डेली के अंदर क्या हो रहा है ये देखें, ठीक है, डिमांड और रेंज चल रही है सारी। अच्छा, उसके बाद आ जाओ H4 के अंदर। H4 के में ट्रेड आपकी ठीक है, लॉजिक ठीक है, बट ये इस जगह पर नहीं लेनी थी। ओके, इस जगह पर क्यों नहीं लेनी थी, इस वजह से जब मार्केट इतना ऊपर आई हुई है ना, तो आपको जस्ट यहाँ पर एक ये लेवल भी आपने मार्क किया हुआ है, या फिर आप ये कर सकते थे कि ये लेवल जो आपने मार्क किया हुआ ना, जब ये फॉल हुआ, जब ये वाला फॉल हुआ, ये इसी के रीटेस्ट के ऊपर छोटे टाइम फ्रेम में आपको रीटेस्ट मिल जाना था और आप यहां से ट्रेड करते, ठीक है, राइट सर। M30 में आ जाते हैं, तो M30 के अंदर हमें बैलेंस एरिया भी मिल रहा है, सप्लाई भी है। हाँ, लॉजिकल ठीक थी ये ट्रेड, बट गोल्ड जो है वो रेंजिंग की वजह से काफी हाईली वोलेटाइल हुआ हुआ है आजकल, तो आजकल तो गोल्ड बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर रहा, मतलब कोई भी जो है वो। इसके अलावा H1 में देखें तो ये देखें क्लियर साइन, H1 के अंदर क्लियर साइन नजर आ रहा है जैसे वॉल्यूम अप है, ठीक है, मतलब ट्रेड जो है वो आपकी बेनिफिट में नहीं जाने वाली है, बहुत मुश्किल से जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा इंडिकेशन, मल्टीपल टाइम फ्रेम स्विचिंग आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट उन इंडिकेशंस को देखा करें हर टाइम फ्रेम में कि क्या आपके फेवर में क्या क्या सपोर्टिंग पॉइंट क्या क्या आपके पास, ठीक है, और उनको मेंशन किया करें। M5 के अंदर भी डिमांड है, ये देखो छोटे टाइम फ्रेम में भी डिमांड चल रही है भाई, ठीक है ना,
ये देखो मार्केट ऊपर आई है और डिमांड कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है, तो ऐसी मार्केट को सेलिंग करने से पहले को थोड़ा सा सोच के फिर करते हैं। जब तक कोई बहुत खास, कोई बहुत बड़ा एविडेंस हमारे पास ना हो तो सेलिंग में नहीं जाना। यस सर। एग्जैक्टली M30 के अंदर अब ये SL आपका हिट हुआ है। एग्जैक्टली वो डिमांड आई हुई थी पहले, M5 में हमने देखा, उसके अलावा M30 पर भी देख ले तो भी देखो, सिंपल सी बात है, ये इतनी वाइड स्प्रेड बार है, ये इतनी वाइड स्प्रेड बार है, लेकिन इसके स्प्रेड के हिसाब से वॉल्यूम तो यहाँ कहीं पर आना चाहिए था इसको। जी सर, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हाँ ये वॉल्यूम कम था ना, इसका मतलब है कि सेलिंग, ये जस्ट मुझे जो लग रहा है ना, ये लिक्विडिटी वैक्यूम था कोई, जब ये इतना बड़ा स्प्रेड बनाया इस बार ने, ठीक है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम नहीं था, और उसके बाद अगली बार ने इसे कंफर्म भी कर दिया, ठीक है, कि मैं बाइंग करने वाली हूं, मुझे सेल मत करो, ये मार्केट आपको खुद बोल रही होती है, तो मार्केट की जबान थोड़ा सा ना इसको फोकस करें, इसको देखें कि मार्केट आपसे क्या कह रही है। तो ये वजह थी, थोड़ा सा जल्दी करी आपने, थोड़ी सी पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो मिस किए आपने, इस वजह से आपका असल हुआ। तो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल आप हाँ प्रेजेंट करें चार्ट और इन पॉइंट्स को आप चेक कीजिएगा। जी मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद बिलाल आप हैं क्लास में? मोहम्मद बिलाल कहाँ है भाई? यार ये मोहम्मद की, मोहम्मद बिलाल आसिफ के नाम से आप? मोहम्मद बिलाल वालेकुम फिर भाई हैं यहाँ पर, तो उनका है मोहम्मद बिलाल के नाम से है आई थिंक वो भी, बट मेरे पास सुनी शो हो रहा है वो ना सर, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जो चैट है ना उसमें वो बता रहे हैं मोहम्मद बिलाल के नाम से है वो, जस्ट एक सेकंड। MUH है ना, तो MU के मैंने पूरी सीरीज चेक कर ली है सारे के सारे, मोहम्मद बिलाल आसिफ आ रहा है मेरे पास, और तो कोई मोहम्मद बिलाल नहीं आ रहा। मोहम्मद बिलाल चैट में शो हो रहा है बकायदा, ये क्या बात है भाई। मोहम्मद अफजाल, अरफान, हमजा, मदनी, उमर, रंटा, मोहम्मद यासीन, मुस्तफा, MUH है, तो MOH भी मैंने चेक कर लिया, मेरे पास क्यों नहीं शो हो रहा है, दोबारा से रीजॉइन करें आप। सर मैं ज्वाइन करूं या दूसरे भाई ज्वाइन? जिनके चार्ट हैं आप दोबारा से रीजॉइन कर लें। खैर चले, अगर आपके जस्ट साइंस ही हैं तो फिर बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हाँ ये देखे ना, ये लेवल मार्क किया हुआ है, तो ये इस तरीके से ठीक है, गुड है मैसेज एक्चुअली। हाँ अब ये आए हैं मोहम्मद बिलाल मेरे पास, मैसेज मुझे नजर आ रहा था उनका, लेकिन ये जो इसके अंदर एक और तीन चार विंडोज खुली होती हैं, आधी स्क्रीन जो है ना वो विंडोज से भरी हुई होती है मेरी, तो वो दूसरी विंडो जहाँ से माइक ऑन करना है उसके अंदर ये नहीं आ रहे थे, तो शायद इस वजह से नहीं आ रहे होंगे कि उनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं होगा या कोई ऐसा होगा। अब देखो रीजॉइन किया है तो अब ये आ रहे हैं मेरे पास। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं ये कह रहा था कि ठीक है ये वॉइड स्प्रेड डाउन बार लगी है, कौन सा लेवल ब्रेक हुआ है यहाँ पे मेंशन किया है, तो अच्छी बात है, सिनेरियो बी ठीक है, डाउन बार है और रिवर्सल ए, हाँ बिल्कुल सही है, अब ट्रस्ट नो सप्लाई। ठीक है,
ठीक है ओके है, ओके है, शेक आउट थोड़ा सा आप कर गए हो थोड़ा सा, बट नॉट अ बिग डील। अच्छा जी, नो डिमांड में भी थोड़ा सा इशू है, यूरो यूएसडी H1 का चार्ट है ये, नो डिमांड आपको बिल्कुल मिलती है यहाँ पे, बट छोटे टाइम फ्रेम के अंदर H1 की नो डिमांड नहीं है ये। बाइंग क्लाइमेक्स बिल्कुल सही है, सही है, ठीक है। नो डिमांड आप कहीं के भी गलती कर रहे हो और कहीं कहीं पर ठीक है, अक्सर साइंस आपके बेहतर है। हाँ ठीक है, अब्सॉर्प्शन हम इसको, लेकिन ये अब्सॉर्प्शन कैसे है भाई, ये देखो ये इस बार का वॉल्यूम है, ये जो ऊपर जाती हुई मार्केट है ये लो वॉल्यूम से है, दैट इज नॉट कॉल्ड एब्जॉर्प्शन राइट। वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली देखो तो ये फॉल नहीं कर रहा है, सेलिंग क्लाइमेक्स अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे आता है। थोड़ी गलतियां हैं यार आपके चार्ट्स में ना, थोड़ा काम करने की जरूरत है आपको। शेक आउट है, सही है। By climates. बाइंग क्लाइमेक्स ऐसे नहीं आता, ठीक है, ये गलत है बाइंग क्लाइमेक्स आपका। ब्रेकआउट और रिवर्सल, यार मैं सोच रहा था कि मैं आपको ना डेमो पे आने का बोलूं, बट गलतियां आपकी ज्यादा हैं, थोड़ा सा लॉजिक एक क्लास और लें और कोशिश करें कि नेक्स्ट क्लास के अंदर ना ये गलतियां रिपीट ना करें, ठीक है मोहम्मद बिलाल। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम सैटरडे वाले दिन क्लास करेंगे, ठीक है, और आप चार्ट थोड़ी नहीं गलतियों को थोड़ा कम करें, थोड़ी लॉजिक के अंदर ना मुझे लग रहा है लैग कर रहे हैं आप थोड़ा सा। टॉप रिवर्सल, अच्छा किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। ऐसे नहीं, टॉप रिवर्सल दिखा रहे हैं तो बैकग्राउंड भी दिखाए ना साथ में, कुछ समझ में तो आए कि रिवर्सल हुआ है नहीं हुआ, कैसा बैकग्राउंड कैसा था। हाँ ये ठीक है, टॉप रिवर्सल बिल्कुल है,
बॉटम रिवर्सल ऐसे नहीं दिखाते, ठीक है? जब भी रिवर्सल्स दिखाएंगे या स्टार्टिंग कैंपेन का स्टार्टिंग दिखाएंगे तो पीछे बैकग्राउंड भी दिखाएंगे, तो पीछे बैकग्राउंड नहीं आ रही और जितनी आ रही है उसके अंदर रेंज चल रही है, ठीक है? नहीं, अभी काफी काम करने की जरूरत है आपको थोड़ी। आप कोई क्वेश्चन है आपका? ओवेस अवेश, आप क्लास में हो? अच्छा, नमाज पढ़ने गए। चले चले अवेश, आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, थोड़ा ना आपको काम करने की जरूरत है, आपकी गलतियां काफी हैं। अब्सॉर्प्शन ठीक है, ये एक्चुअली ये दोनों कैंडल्स को मिला करके अब्सॉर्प्शन हुआ है, और किस जगह का अब्सॉर्प्शन हुआ है ये भी आपने साथ में मेंशन करना है। थ्रस्ट ठीक है, देखिये अब थ्रस्ट हो गया, शेक आउट हो गया, ये तो तकरीबन सबके सही होते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा लॉजिक्स को भी ना साथ में बताया करें। हाँ, ये नो डिमांड, ये थोड़ा, हाँ ये ठीक है, नो डिमांड सही है। वाइड स्प्रेड डाउन बार किसके, किसको मतलब? नो, यहाँ पे कोई भी क्लू नहीं है, बैकग्राउंड नजर नहीं आ रहा। No demand in market of upthrust. ये गलत है, upthrust ठीक है। No supply shakeout. जी ठीक है, top reversal ठीक है, ये टॉप रिवर्सल कह सकते हैं इसको। हर पिंक वॉल्यूम जो है ये नो डिमांड नहीं होता, ठीक है? हर पिंक वॉल्यूम नो डिमांड नहीं होता, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो यहाँ पर आपने मार्क किया ना, तो थोड़ा सा लॉजिक्स में ना आपकी अभी क्लियरेंस बाकी है। चले जी, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अपने माइक मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, माइक अपनी एंड से आप बंद कर लो। अपने एंड से आरिफ अब्बास, जी अजीज, माजिद लगारी, इफ्तिखार, अपने माइक ऑफ कर लें। किसी को बात करनी है तो क्वेश्चन कर सकता है माइक ऑन करके, मैं वेट कर रहा हूँ कोई क्वेश्चन आने का। अब्दुल वहीद जी, हेलो, जी कोई क्वेश्चन है? यार आप खुद से अपने माइक ऑफ जी सर, खुद से कोई भी ऑफ नहीं कर रहा है तो ऐसे तो अस्सलाम वालेकुम सर, खड़ी बन जाएगी। जी वालेकुम अस्सलाम सर, ये वेव के बारे में अगर थोड़ा सा बता दें, ये
समझ में नहीं आता फेज वेव के किस तरह इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। वॉइस वेव के लिए एक लेक्चर करेंगे, वो मैं रिकॉर्ड करके और यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, या फिर हम यही करेंगे इसी वीक के अंदर, मैं देखता हूँ कोई टाइम निकालते हैं और एक सेशन कर लेंगे आधे घंटे का, एक घंटे का ना, उस पे वॉइस वेव आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा छोटा सा सवाल ये था कि जैसे कि स्पोर लेवल पर शेक आउट आता है, ठीक है जी, क्या हम डायरेक्टली वॉल्यूम, मतलब कि हम उनको डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कि बिना किसी कंफर्मेशन के? एक बहुत अच्छा जिसे हम शेक आउट कंसीडर करते हैं, एक लॉन्ग वीक दे देता है हमें, क्या हम उसकी बेस पर ट्रेड कर सकते हैं? अगर वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है ना तो ये एक अच्छा शेकआउट नहीं है। अगर तो मतलब वॉइस वेव के ऊपर हम लेक्चर करेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर तो ये जब मार्केट नीचे आ रही थी और वॉल्यूम बियरिश था तो फिर ये शेकआउट जस्ट एक ट्रैप है, ये अच्छा शेकआउट नहीं होने वाला, ठीक है। अगर वॉल्यूम मार्केट नीचे आ रही थी और वॉल्यूम बुलिश था तो फिर इस शेकआउट पर हम छोटे टाइम फ्रेम में जा करके हम देख सकते हैं, कंफर्मेशन मिल जाएगी हमें। ओके जी, कोई और क्वेश्चन?